स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फाइंड माय डिवाइस को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, यानी कि ऑन कर सकते हैं, और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है, और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे, सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा, यहाँ पर आपको दिखा रहा है फाइंड माय डिवाइस। तो फाइंड माय डिवाइस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको राइट साइड से ऑन कर देना है, यानी कि इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही आपका ये ऑन हो जाएगा, और मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से यूज़ होता है। जैसे कि आपका फ़ोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आपका फ़ोन फाइंड माय डिवाइस अगर आपके फ़ोन में ऑन होता है तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका फ़ोन ट्रैक होने के लिए काम आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।